करने वाले हैं इंट्रोडक्शन HTML का, जब मैं आपको पूरी डिस्क्राइब करके बता दूंगा कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है। पहली बात तो ये, मैंने एक की गलत लाइन बोली है यहाँ पे कि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यानी यहाँ से आप कोई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कोई वेब डिज़ाइन करने के लिए आपकी कोडिंग कर सकते हैं कि आप उसमें कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसा आपका उसमें फॉन्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये सब उसमें क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन करने के बाद अब बात आती है कि HTML इंट्रोडक्शन तो छोड़ो, हमें तो डायरेक्ट कोडिंग से मतलब है। तो इसमें मैं बात करूंगा कि आप कौन कौन से कंपाइलर यूज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली दो कंपाइलर सबसे टॉप के हैं जो इसमें यूज किया जाता है। एक तो आपका सबसे पहले कंप्यूटर में फीड होके आता ही है नोटपैड, जो मैं जिसमें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। दूसरा आता है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट एक तरह का कंपाइलर है, या कह लो नोटपैड एक तरह का कंपाइलर है, जो कि HTML कोड जो हम करेंगे उसको वेब डिज़ाइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो हम ये दो कंपाइलर का यूज़ करने वाले हैं, दोनों में से कोई भी एक। तो मैं तो यहाँ तो ब्रैकेट यूज़ करूँगा। तो आप, मैं आप सबको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब भी ब्रैकेट को यूज़ करें, ठीक है। गूगल पर जाए, उसे डाउनलोड कर लें, सिंपल सा है। अपने हिसाब से डाउनलोड करना, क्योंकि 64 बिट का की विंडो के हिसाब से डाउनलोड करो या 32 बिट की विंडो के हिसाब से डाउनलोड करना, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और HTML में इंट्रोडक्शन में आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें कुछ कुछ हम टैग्स यूज़ करेंगे। टैग्स कौन कौन से, एक होता है हमारा बॉडी टैग, दूसरा हमारा होता है हेड टैग। अभी आपको बताता हूँ, बिल्कुल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा अभी कुछ। ये सारे टैग्स हैं, मैं बताता हूँ, ये कुछ हमारे ऐसे टैग्स हैं जो कि हमारी वेब डिजाइनिंग में इन टैगों का यूज करना जरूरी है। विदाउट ये चार टैग का यूज करें हम वेबसाइट डिजाइन नहीं कर सकते। तो ये चार टैग जैसे मैंने लिखे हैं एज इट इज आपको समझने हैं और कोडिंग में यूज करने हैं। तो जो ये वीडियो है, पूरी टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, ये पूरा इंट्रोडक्शन है HTML के, उसमें पूरा एक पूरा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, कुछ कुछ छोटी छोटी वेब डिज़ाइनिंग के तौर पे छोटे छोटे बनाएंगे हम, वेब डिज़ाइन करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं स्टार्ट करूँगा आपका छोटा सा वेब डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा आपको, आपको उसमें हेडिंग बताना सिखाऊंगा, कलर कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है, और डायरेक्शन कैसे चेंज की जा सकती है। तो ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, अगर आपको कोई कमेंट सजेशन में आता है कि कहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाहो या कुछ करना चाहो, तो कमेंट में मेरे को मैसेज का उसका रिप्लाई करूँगा मैं, अगर आपने कुछ कमेंट करा होगा तो। तब तक के लिए थैंक यू।